नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएफ केवाईसी को लेकर। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि केवाईसी जो हम डालते हैं, केवाईसी हमारा कौन अप्रूवल करेगा, बैंक अप्रूवल करेगा या एम्प्लॉयर अप्रूवल करेगा। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, तो दोस्तों आज वीडियो में मैं आप लोग क्लियर कर देने वाला हूँ कि केवाईसी कौन अप्रूवल करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप लोग केवाईसी डालते हैं या आपने केवाईसी, तो सबसे पहले आप यूनियन पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ मैनेज वाले ऑप्शन में जाते हैं, उसके बाद यहाँ केवाईसी वाले ऑप्शन में जाते हैं और क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने केवाईसी वाला सेक्शन खुलकर आ जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे आप केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल में जाकर यहाँ पर अपना स्टेटस देखते हैं, तो यहाँ पे आप स्टेटस में देख सकते हैं वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस बता रहा है, तो आप लोगों के मन में अब ये सवाल चल रहा होगा कि हमारा जो है केवाईसी कौन अप्रूवल करेगा, बैंक अप्रूवल करेगा या जो एम्प्लॉयर है वो अप्रूवल करेंगे। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं, इसके बाद कुछ दिन बाद जब दोबारा ट्राई करेंगे, एक हफ्ते बाद, पाँच दिन, छः दिन बाद जब दोबारा यहाँ ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा हवा का पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर ये लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से केवाईसी अप्रूवल होगा। नहीं समझ में आया, चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले जो आप केवाईसी डालते हैं, तो केवाईसी डालने के बाद आपका केवाईसी सबसे पहले बैंक के पास जाएगा। बैंक के पास जाने के बाद बैंक के लिए वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। उसके बाद बैंक जब उसको वेरीफाई कर लेगी कि आपका जो सारा डाटा जो आपने सबमिट किया है, पासबुक में जो डिटेल है और आपकी ईपीएफ में डिटेल है, सब कुछ सेम मैच कर रहा है, तो उसके बाद जो बैंक क्या करेगी, उसको एम्प्लॉयर के पास भेज देगी। एम्प्लॉयर के पास जाने के बाद जब एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों से यहाँ पे आप लोगों को शो करेगा पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर शो करने लग जाएगा। जब एम्प्लॉयर द्वारा इसे अप्रूवल कर दिया जाएगा, तब आपका केवाईसी अप्रूवल वाले पोर्टल पर इसको शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही है तरीका कि जब आप केवाईसी डालते हैं, तो केवाईसी डालने के बाद सबसे पहले आपका बैंक के पास जाता है वेरिफिकेशन के लिए, उसका जो बैंक वेरीफाई कर लेता है, उसके बाद एम्प्लॉयर के पास भेज देता है बैंक, और एम्प्लॉयर द्वारा जब वेरीफाई कर लिया जाता है, उसके बाद आपके यूएन पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया जाता है आपका बैंक अकाउंट नंबर। तो दोस्तों ये प्रोसेस है अभी फिलहाल केवाईसी करने का, कि सबसे पहले जब आप केवाईसी डालेंगे तो बैंक यही पहले वेरिफिकेशन करेगा। इसलिए यहाँ पे जब बैंक के पास केवाईसी जाता है, तो यहाँ वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाता है। उसके बाद जब ये बैंक के द्वारा जब एम्प्लॉयर के पास भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे पेंडिंग विथ फॉर एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर दिखाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आप लोगों को बताना था। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें।